हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डाइटिशियन चंदा मलिक डाइट टेक चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक कॉमन से टॉपिक पे बात करेंगे, हेयर फॉल एंड हेयर लॉसेस। अब ये हेयर फॉल एंड हेयर लॉसेस आपके किन किन कारणों से होते हैं, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही रीज़न बताऊँगी जो कॉमन है, जैसे स्ट्रेस, हॉर्मोनल इम्बेलेंस, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ स्लीप एंड हेरिडिटी, PCOD, एंड अगर आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हो जैसे BP की या एंटी डिप्रेशन की, तो इन सभी कारणों से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अब हम फोकस करते हैं कि आपकी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड किया जाए जो हेयर फॉल एंड हेयर लॉस को कम करे और आपके बालों को शाइनी बनाए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्पिनच की। जो पालक होता है वो क्या होता है, आयरन रिच होता है और उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम ये भरपूर मात्रा में होते हैं। दूसरा क्या है, नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। पालक में सीबम होता है जो नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। एक तरह से कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली 1 बाउल पालक खाते हो। तो डेली अपने डाइट में 1 बाउल पालक इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल कैसे भी, जैसे सब्जी बना लो पालक पनीर की, या फिर सलाद, या फिर फॉर एग्जांपल सूप, तो जैसे आपको अच्छा लगे, और एनी टाइम कभी भी ले सकते हो आप इसमें। दूसरा है नट्स। नट्स में बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, शाइनिंग रखने के लिए और हाइड्रेट रखने के लिए। जो वॉलनट है, जो अखरोट है, अखरोट में क्या होता है, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये भी क्या करता है, आपके बालों में मॉइस्चर बनाए रखता है। दूसरी चीज़ है आपका पीनट बटर। आप पीनट बटर ले सकते हो ब्रेड पे लगा के, तो वो भी अच्छा होता है काफ़ी आपके बालों के लिए, शाइनी दिखने के लिए। इसमें भी ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। तो बेरीज खा सकते हो आप, ऑरेंज जूस पी सकते हो, क्योंकि इसमें विटामिन सी रिच होता है जो आपके प्रोटीन को बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, हेयर ग्रोथ के लिए आपके बेरीज खाने पर हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। दालें खा सकते हो, दालों में प्रोटीन होता है और इसमें फोलिक एसिड, जिंक और आयरन ये भरपूर मात्रा में होते हैं, और विटामिन बी जिसे बायोटिन कहते हैं, बायोटिन आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा, आप डेली 1 बाउल दाल ज़रूर खाए, वो भी लंच में, इवनिंग में दाल नहीं, लंच में खाए। दूसरी चीज़ है कि आप स्प्राउट करके खा सकते हो, या फिर सैलड की फॉर्म में, या दाल सूप बना सकते हो, और एक अंडा खा सकते हो, या फिर सोयाबीन खा सकते हो, उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, क्योंकि नियर अबाउट 40 से 42% तक सोयाबीन में प्रोटीन होता है। दूसरा, आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हो, और फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सभी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, तो ये भी आपकी बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें भी ओमेगा फैटी एसिड होता है। ये जो आप सीड्स और चिया सीड्स लेते हो, तो ये बालों को रिपेयर भी करता है, ग्रोथ भी अच्छी करता है, और ये हेयर डैमेज को भी कम करता है। आप एनी टाइम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल बर्गर बनाया है, तो बर्गर पे अपने सीड्स डाल सकते हो, उनको रोस्ट नहीं करना होता है। दूसरा, आप वूल ग्रेन ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट जो रिच डाइट लो आप, जो लो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनके हेयर फॉल थोड़े ज़्यादा होता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट सफिशेंट अमाउंट में लीजिए, और वूल ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस ये सभी ले सकते हो, रागी की चपाती भी ले सकते हो आप। दूसरा है सैल्मन फिश, जो होता है उसमें भी ओमेगा फैटी एसिड होता है, वो बालों की शाइनिंग के लिए वो भी काफ़ी अच्छा है। तो एक जो शैम्पू यूज़ करते हो आप, वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, अवॉइड करें शुगर और मैदा, वाइट ब्रेड, अल्कोहल, स्मोकिंग ये ना ले, और हीट वगैरह यूज़ ना करें, जैसे बालों को ड्राई करने के लिए या फिर उनको कर्ली करने के लिए। तो मैं डाइटिशियन चंदा मलिक ये रिकमेंड करूँगी कि ये चीज़ आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, और हेयर फॉल और हेयर लॉस को बिल्कुल आप ख़त्म कर सकते हो। आप डेली पालक खाइए, गाजर खाइए, नट्स खाइए, और साबुत अनाज खा सकते हो तो वो भी खाइए, क्योंकि भूनकर भी खा सकते हो उसको, लेकिन साबुत अनाज अगर आप खाते हो तो वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा, एग भी आप ले सकते हो किसी भी फॉर्म में, ऑमलेट या फिर उबला हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। टाइट तक, बाय बाय।